हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर भी अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। मुझे इंस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो कीजिए ताकि अगर आपको कोई वीडियो समझ में नहीं आ रहा और आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ, बच्चों को छोटी मोटी बीमारियाँ तो लगती रहती हैं लेकिन मोशन एक ऐसी बीमारी है कि जब बच्चों को वो हो जाए तो वो बच्चों को दिनों में ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। और अगर इसको वक्त पर ट्रीट ना किया जाए, इसका वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को मोशन क्यों होते हैं और हम इन्हें घर पर रहकर किस तरह ठीक कर सकते हैं और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं। अगर आपके बच्चों को मोशन लगे हैं और आपने बहुत इलाज करा लिया है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी आपने दे दी हैं लेकिन आपके बच्चों के मोशन में बिल्कुल आराम नहीं आए, तो फिर आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, ये एक ऐसी रेमेडी है कि जब भी मेरे बच्चों को मोशन की प्रॉब्लम होती है तो मैं बच्चों को यही रेमेडी बनाकर देती हूँ। यकीन कीजिए कि इस रेमेडी का इतना ज़्यादा अच्छा असर होता है कि मतलब कि मुझे डॉक्टर पर जाना नहीं पड़ता। बाज़ू का ऐसा होता है कि डॉक्टर पर भी हम जाएँ तो मतलब डॉक्टर इतने ज़्यादा एंटीबायोटिक्स उठा कर दे देते हैं जो कि बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते। और क्या होता है कि कई बार बहुत दवाइयाँ देने के बावजूद भी जो मोशन है वो ठीक नहीं हो रहे होते। और आप यकीन कीजिए कि जब आप इस रेमेडी का इस्तेमाल आप करेंगी, आपके बच्चों के मोशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आप प्लीज़ मोशन के बारे में वीडियो बनाएं कि बच्चों को मोशन जब हो जाए तो उस बारे में हम क्या करें। तो मैं आज इसी वीडियो पर इसलिए बात करने वाली हूँ। तो जी, रेमेडी की तरफ बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपसे ये बात शेयर करती जाऊँ कि जब आपके बच्चों को मोशन की प्रॉब्लम हो जाए तो आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपके बच्चों को मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो आपने बच्चों को ORS का इस्तेमाल करवाना है। जो सादा पानी, अपने बच्चों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि इस कंडीशन में जब आप सादे पानी का इस्तेमाल करवाएंगी तो आपके बच्चों के जो मोशन है पहले से ज़्यादा हो सकते हैं और मोशन के साथ साथ आपके बच्चों को वोमिटिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। क्योंकि बच्चों की बॉडी में जब पानी की कमी होती है तो बच्चों को ऑटोमेटिकली उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से आपने टाइम के साथ साथ बच्चों को हमेशा ORS का इस्तेमाल करवाना है ताकि आपके बच्चों की बॉडी में डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो जाए और आपके बच्चों की बॉडी में पानी की कमी पूरी होती रहे। और अगर आपके बच्चों को मोशन हो चुकी है तो इस कंडीशन में आपने सेब का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करवाना, क्योंकि जब आप इस सिचुएशन में सेब का इस्तेमाल यानी कि एप्पल का इस्तेमाल करवाएंगी तो वो आपके बच्चों के पेट को मजीद खराब कर देगा। इसलिए आपने ये एहतियात भी लाजमी करनी है। दूसरी तरफ अगर आपके बच्चों को मोशन है और उल्टियाँ हैं तब आपने बनाना यानी कि केले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करवाना। अगर आपके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मोशन है तब आप बनाना का इस्तेमाल करवा सकती हैं, क्योंकि बनाना से भी बच्चों के जो मोशन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ मोशन होने की सूरत में आपने अपने बच्चों को अगर शेक का इस्तेमाल करवा रही हैं तो वो नहीं करवाना। आपने लाइट चीज़ें इस्तेमाल करवानी है बच्चों को, यानी कि आपने दलिया हो गया, खिचड़ी होगी, इन चीज़ों का इस्तेमाल करवाना है। और अगर जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो आपने बिल्कुल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाना। तो जी, अब मैं जल्दी से आप बढ़ती हूँ रेमेडी की तरफ। ये रेमेडी बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ी ही आसान चीज़ें हैं, आपको अपने आपके से मिल जाएंगी। तो जी, सबसे पहले इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने सबसे पहले लेने हैं चावल। आपने थोड़े से चावल ले लेने हैं और अपने चावलों को अच्छे से वॉश करके बॉईल कर लेना है और आपने चावल में कुछ भी शामिल नहीं करना। आपने जैसे हाफ कप चावल ले लिया और आपने उसमें पानी शामिल करके बॉईल करने के रख दिया। आपके चावल जब अच्छे से बॉईल हो जाए और उनका पानी बिल्कुल लाइट सा रह जाए, एक्स्ट्रा आपने चावल को बॉईल करना है। जब पानी बिल्कुल एक्स्ट्रा सा रह जाएगा ना, जैसे हम चावलों को दम दे रहे होते हैं तो चावलों का पानी जब रह जाता है, तो पानी जब थोड़ा थोड़ा पानी रह जाए तो आपने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देना है और चावलों को आपने स्ट्रेन कर लेना है। यानी कि जो चावल आपने बॉईल किए थे बहुत ज़्यादा वो क्रीमी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, तो फिर आपने उनको स्ट्रेन कर लेना है। यानी कि जो चावलों का जो पानी है वो आपने स्ट्रेन करना है, यानी कि आपने चावलों के पानी को छान लेना है किसी मलमल के कपड़े की हेल्प से या किसी स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेना है। अब आपने यही पानी बच्चों को इस्तेमाल करवाना है। जिन बच्चों की उम्र 1 साल से कम है आपने इन्हें दिन में 2 बार इस्तेमाल करवाना है और एक एक चम्मच, यानी कि 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। और जिन बच्चों की उम्र 1 साल से ज़्यादा है तो अपने 2-2 चम्मच इस्तेमाल करवा सकती हैं, यानी कि 2 चम्मच सुबह के टाइम और 2 चम्मच शाम के टाइम। आप देखेंगी इस रेमेडी से आपके बच्चों का पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपके बच्चों के जो पानी की तरह मोशन है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा आजमाई हुई रेमेडी है और इसका जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, आप खुद देखिएगा आपके बच्चों के मोशन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको ये आज की रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, अपना भी ढेरों ख्याल रखिएगा और मैं मिलूंगी मेरी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।